पंचायत चुनाव संपन्न हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, जैसा कि अभी जिलाधिकारी महोदय ने आपको बताया है, हमारे जनपद ललितपुर में जो दूसरे फेज में जो चुनाव है 19 तारीख को, इसके लिए जो पुलिस का प्रबंध था और चाहे हमारे बूथों का प्रबंध था, वो सारा पूरा कर लिया गया है। आज एक संयुक्त ब्रीफिंग को किया गया जिसमें हमारे पुलिस के अधिकारी, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे और जो भी वहाँ के जो इंचार्ज थे, सबको बुलाया गया है। हम दोनों लोगों की तरफ से दिशा निर्देश जो शासन से प्राप्त हुए हैं, निर्वाचन आयोग से प्राप्त हुए हैं, वो दिए गए हैं। सभी को यही बताया गया कि इम्पार्शियल और न्यूट्रल होकर इलेक्शन कराएंगे, किसी प्रकार से किसी का फेवर और भेदभाव नहीं करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो पूरे जनपद है उसको हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट, क्लस्टर मोबाइल, थाना मोबाइल और बूथों पे हमने पर्याप्त मात्रा में फोर्स दिया है। और ये भी आप चीज़ को आपको अवगत करा दूँ कि शासन की तरफ से हमें एसीएस होम सर की तरफ से, डीजीपी सर की तरफ से सख्त निर्देश मिले हैं कि इलेक्शन में जो भी ऐसा व्यक्ति जो व्यवधान उत्पन्न करेगा, किसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा, उसके खिलाफ हम एनएसए तक की कार्रवाई करेंगे और उसको बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। अगर उसके हमने उसको घर भी 14-1 की कार्रवाई भी करनी पड़े तो वो भी करेंगे और बिल्कुल इसके लिए हम बिल्कुल सख्त हैं। और हमारा यहाँ का जो जनपद ललितपुर का चुनाव है बिल्कुल अच्छे से कराएंगे, यही हम लोग सबको बता रहे हैं। Thank you.
संसद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने वाले हैं, क्या प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी? पंचायत चुनाव का सेकंड फेज में ललितपुर जिला का चुनाव हो रहे हैं 19 तारीख, उसके बारे में पूरा तैयारी हो गया हम लोगों का। आज उसके सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट या प्रभारी पुलिस अधिकारी कर्मचारी हम लोगों को ये तो जॉइंट मीटिंग होगा, उसके सभी संबंधित अधिकारी जनता द्वारा उसका इलेक्शन के बारे में क्या तैयारी हुआ या उनका संबंधित सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट का क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करना है सभी पूर्ण रूप में या विस्तार रूप में हम लोगों को उसको एक्सप्लेन किया। वहाँ टोटल 831 बूथ है, 831 मतदान केंद्र है, 1322 बूथ है, तो सभी जगह से इसका तैयार भी हो रहा है। बाकी इसका रेमिनिशन वगैरह का भी विवरण कम्प्लीट हो चुका है, तो आज शाम तक हमारा पूर्व साथी आएंगे, संपूर्ण रूप में तैयार है। 19 तारीख शांतिपुर में हम